पंजाब के जेलेंस्की बने भगवंत मान। आपके लिए भगवान बने भगवंत मान। पंजाब में हर ओर भगवंत मान। भगवंत मान के आगे सब हुए धड़ाम। भगवंत की कॉमेडी से पंजाब लोटपोट। विधानसभा चुनाव 2022 के तहत कई चरणों में मतदान के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका हर किसी को इंतजार था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ठीक वैसे ही कई नेताओं के भाग्य का फैसला होता जा रहा है। देश के 5 राज्यों के नतीजों की बात करें तो हर एक पार्टी की दौड़ जारी है, कहानी आगे पीछे होकर लिखी जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। पंजाब में आपको लगभग 90 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। अगर बात की जाए बड़े राजनीतिक चेहरों की तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अन्य चेहरों की बात करें तो पंजाब के ही प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और नवजोत सिंह सिद्धू को भी हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब की सियासी उठापटक और वोट की चोट की गिनती में आपकी ओर से सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान समूचे पंजाब में चर्चा का विषय बन रहे हैं। कौन है भगवंत मान सिंह? बात करें आपके भगवंत मान की तो पंजाब में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बताता है कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी के लिए किसी भगवान से कम नहीं। दरअसल आम आदमी पार्टी से संगरूर के सांसद भगवंत मान सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पेशे से कॉमेडियन एक्टर भगवंत मान सिंह ने 2011 में राजनीति में एंट्री की थी। इसके बाद वो संगरूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कौन है भगवंत मान सिंह और कैसा रहा है उनका राजनीतिक सफर। भगवंत मान इस समय आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। वो संगरूर सीट से सांसद हैं, धुरी विधानसभा सीट इसी क्षेत्र में आती है। पंजाब की धुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान ने 38,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब में संगरूर जिले के सतोस गांव में हुआ था। उन्होंने पंजाब के संगरूर में ही SUS कॉलेज से BCOM किया है। कॉमर्स के क्षेत्र में ग्रेजुएशन के बाद मान नौकरी या बिजनेस से दूर रहे क्योंकि वो कुछ हटकर करना चाहते थे। भगवंत मान को कांग्रेस के दलबीर सिंह चुनौती दे रहे थे। दलबीर सिंह ने 2017 के चुनाव में जीत हासिल की थी। इससे पहले 2012 में कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार अरविंद खन्ना यहां से विधायक बने थे। भगवंत मान कॉमेडी से लेकर राजनीति तक हर जगह अपना नाम बना चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपने घरवालों के लिए जुगनू हैं। घरवालों का मानना था कि उनका ये बच्चा जुगनू है जो अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाता है। भगवंत मान की शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी, हालांकि 2015 में दोनों अलग हो गए। दोनों के 2 बच्चे हैं। भगवंत मान के राजनीतिक करियर की बात करें तो मान शुरू से ही आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं, बल्कि राजनीतिक पारी की शुरुआत उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। वो साल 2012 में लहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन असफल रहे थे। इसके बाद मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए और भगवंत मान आम आदमी पार्टी में आ गए। 2014 में भगवंत मान आम आदमी पार्टी से जुड़े और संगरूर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में अपने नाम का डंका बजवा दिया था। यहां वो 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। बहरहाल आपके भगवंत मान को देश विदेश के नेताओं से बधाइयां मिल रही हैं। भगवंत मान जल्द ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान होंगे। देखना रोचक होगा कि कॉमेडियन भगवंत मान पंजाब की जनता को कितना खुश कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।